हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज न्यू लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। वो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने दो सॉल्यूशंस पहले पढ़े आपके सामने। हमने जो सॉल्यूशन पहले डिस्कस किया, एक सॉल्यूशन डिस्कस किया यूनिक सॉल्यूशन, और फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की क्या डिस्कशन आती है, राइट। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। क्या जरूरी नहीं है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ यूनिक या कंसिस्टेंट हो, गॉट इट, या जीरो हो या यूनिक सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है। इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, राइट। अब इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस के अंदर याद रखिएगा हमारे पास क्या आता है, एक हम फ्री वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राइट। इन्फिनिट वेरिएबल्स के अंदर फ्री वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। अब एक चीज और यहां पर, जब आप इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन के लिए जाते हैं वो ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ फ्री वेरिएबल sometime like this t। वो क्या करता है, वो हमें उस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें आजाद कर देता है। हम क्या करते हैं उसके अंदर फिर अपनी मर्जी से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। नंबर वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज योर यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस। और अब हमें एक एग्जांपल लेकर उसकी तरफ हम जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि रादर देन जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर सिस्टम ऑफ ऐसा लीनियर इक्वेशन बन जाए जिसके अंदर सॉल्यूशन इनफिनिट मेनी हो, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन इनफिनिट मेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने एक एग्जांपल ली है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से। देखिए ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मेथड दो ही हैं। आपको मैं जो पहले प्रोसीजर आपके मैंने बताया जॉर्डन और एलिमिनेशन मेथड का, अब बेसिकली हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि जो सॉल्यूशन की नेचर है वो किस टाइप की है। हम बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे भाई इसका वे क्या है, अब इसके सॉल्यूशन को हम फर्दर कैसे टैकल करके आगे ला सकते हैं, राइट। अब चलिए हैं इसकी तरफ देखते हैं। अब पहले प्रोसीजर स्टूडेंट्स वही है कि आप इसको क्या लिखते हैं, इन ऑगमेंटेड फॉर्म, जब आपने ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्या आ जाएगा, लाइक आपके पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3 माइनस 5 36, इधर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 1, हियर इज 0, हियर इज 7, हियर विल बी योर नंबर इज 1, हियर विल बी 1, नेगेटिव 10, और यहां पे आपके पास डॉट आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 5, और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव 4। अब स्टूडेंट्स ये यहां पर देखिए पिवट आपके पास क्या है, 3। तो क्या यहां पे अगर मैं रो को इंटरचेंज कर दूं, यानी R1 को R3 से चेंज किया जाए तो आपके पास यहां पे पिवट 1 बन जाएगा, फिर आप उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरचेंजिंग R1 by R3, यानी आप इस रो को इधर ले जाएंगे, इस रो को इधर लेंगे, यानी इंटरचेंज कर लेंगे रो के अंदर। जब भी आप इस तरह का रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, पिवट अगर नीचे 1 बन रहा हो, आज एक नई चीज बता रहा हूं, राइट। तो आप रो को इंटरचेंज करके पिवट 1 बना सकते हो, राइट, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए जरूर। इससे ये होगा कि आपके सॉल्यूशन के अंदर जस्टिफिकेशन भी आसान हो जाएगी और आप इजीली फर्दर टैकल कर सकते हो, राइट। तो अब हम यहां पर चलते हैं और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब इसको मैंने यहां से चेंज किया तो आपके पास क्या आ गया, यहां पर आपके पास आ गया यहां पर 1 1, नेगेटिव 10, माइनस 1, 0, 7, यहां पे क्या आ गया आपके पास, और यहां पे क्या आ गया माइनस 3, माइनस 5, यहां पे आ गया 36, डबल डॉट,
यहां पे आपके पास क्या आ गया माइनस फोर फाइव और यहां पे आपके पास क्या आ गया टेन। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास पिवट वन बन गया, हमने इसकी मदद से इधर जीरो करना है। तो क्राइटेरिया क्या है, हम क्या करते हैं, हम कर लेंगे वन आर वन प्लस एड इन आर टू, राइट। जब आप वन यहां पे बन गया इधर जीरो कीजिए, तो यहां पे जीरो करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो रो है वो वैसी की वैसी आ गई, क्योंकि उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। रीजन क्या है कि हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते वक्त हमने ये बताया था कि जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर चेंज नहीं आता। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, अब यहां पर हमने बेसिकली यहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा जीरो, वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसमें ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया वन। अब देखिए जब आपने वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया नेगेटिव टेन प्लस सेवन तो आपके पास क्या आ गया नेगेटिव थ्री आ गया। अब जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया नेगेटिव फोर इसमें ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया यहां पर वन आ गया, राइट। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट रो है हमारे पास माइनस थ्री माइनस फाइव 36 और यहां पे 10 आ जाएगा, got it। अब देखिए आगे चल के इसको देखते हैं। अब देखिए इस पिवट की मदद से हमने यहां पे जीरो करना है तो क्राइटेरिया वही लगेगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3R1 प्लस एड इन R3, राइट। तो जब इसके साथ हमने किया आपके पास 1 नेगेटिव 10 तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव 4 0 1 नेगेटिव 3 1 आ गया, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें यानी 3 × 1 और इसमें ऐड किया आपके पास क्या आ गया नेगेटिव 2 आ गया, राइट। अब इसको अब आपके पास 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या चेंज आएगा आपके पास, तो यहां पर देख लीजिए जब आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव यहां पर आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास 6। अब यहां पे अब आपके पास क्या आ जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई करें इधर ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा यहां पर माइनस नेगेटिव ऑफ 2 आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने क्या किया, वही पहले R1 पिवट 1 की यहां से इंटरचेंज करके पिवट 1 बनाया, फिर मैंने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया इनकी मदद से, इस पिवट की वजह से मैंने यहां पर जीरो किया जो यहां पर मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर मैंने फर्स्ट पिवट की मदद से रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट जीरो किया, गॉट इट। दिस इज योर वे ऑफ प्रोसीजर टू टैकल द प्रॉब्लम्स, राइट। हियर यू हैव नोटिस दैट इट इज बिकम अ जीरो पार्ट, राइट। आई एम गोना टू जंप इन सेकंड वन, हियर विल बी बाय दिस सम यू नीड टू क्रिएट जीरो हियर। अब हमने यहां पे जीरो करना है इस वन की मदद से, तो कैसे जीरो होगा कि अगर मैं इसको 2R2 को मल्टीप्लाई कर दूं और R3 के अंदर ऐड कर दूं, राइट। तो अब यहां पर देख लीजिए आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये यहां पर क्या आ जाएगा 1 नेगेटिव 10 यहां पे आपके पास आएगा माइनस 4। अब स्टूडेंट्स इसकी मदद से हमने यहां पे जीरो करना है तो ये ऑपरेशन हमने लिख लिया, यहां आई डिडंट हैव एनी स्पेस प्रॉपरली सो मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। तो आपके पास 1 नेगेटिव 10 और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 4। अब यहां पे क्या आ जाएगा 0 1 नेगेटिव 3 और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब देखिए इसकी मदद से हमने यहां पे 0 प्रोड्यूस करना है, तो ये एक 0 ऑलरेडी था, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 0। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहां पर क्या आ गया 6, इसके अंदर ऐड किया नेगेटिव और पॉजिटिव 6 0 आ गया, राइट। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया तो यहां पे आपके पास क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कि आपके पास एक रो कंप्लीटली 0 हो गई है, नो टर्म इन दिस योर रो इन दिस मैट्रिक्स इज कंप्लीटली 0, राइट। तो ये आपका पर्टिकुलर प्रोसीजर है सॉल्व करने का क्राइटेरिया, अब आपकी चॉइस आप पर है, रादर देन यू फील कंफर्टेबल टू अप्लाई गॉस जॉर्डन Gauss elimination method, you have to work on these two methods, right? This is your particular procedure to sort out or to tackle the problems and to try to justify to identify the solution of the system of linear equations, right? In matrix form.
अब यहां पर देखिए हमारे पास एक रो जीरो होगी। जब एक रो जीरो हो जाए तो याद रखिएगा, जब एक रो जीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि वो रो आपके पास डिपेंडेंट रो थी दूसरी दो रोज पर। अगर एक रो पूरी की पूरी जीरो हो जाए, इसका मतलब ये था कि वो पिछली दो रो पे हैं उन पे डिपेंड कर रही थी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेकंड रो जीरो हो जाए, इसका मतलब ये था कि फर्स्ट और थर्ड रो के अंदर ये डिपेंड कर रही थी। गॉट इट। अब हम चलते हैं इसके फर्दर प्रोसीजर की तरफ। फर्दर प्रोसीजर क्या है कि अब हम इसको लिखेंगे यूं करके, x प्लस y माइनस 10z इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। गॉट इट। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये देखिए, हमारे पास तीन वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है। यहां पर हमारे पास z है। यहां पे अंडरस्टैंड करने की बात है कि अब हम यहां पे क्या करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हम इनफिनिट सॉल्यूशन की तरफ देखें। लास्ट पार्ट तो आपको क्या दे रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कोई वेरिएबल सरवाइव नहीं कर पाया। गॉट इट। तो ये यहां पे पर्टिकुलर प्रोसीजर हमारे पास अकर कर गया, राइट। अब अगर हम यहां पर देखें, जब ये चीज अक्रेंस होगी इसके अंदर, तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि आप देखें, ये तो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसकी वजह तो सॉल्यूशन हमारे पास कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। उस सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं यहां पर ये जगह रिमूव करता हूं। रिमूव करके इसको देखते हैं कि भाई इसका एक वे क्या है, इसको हम किस वे के तरह आगे टैकल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं आप उसको। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहां तक हमने पूरा प्रोसीजर मैंने आपके सामने सॉल्व करके रख दिया कि भाई ये टेक्निक है, आप इसकी मदद से इस सॉल्यूशन को, अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। अब याद रखिएगा यहां पे रो जीरो हो गई है लास्ट, क्योंकि यहां पे कोई इसका कोफिशियंट सरवाइव नहीं कर पाया, राइट। जब किसी भी चीज का कोफिशियंट या सरवाइव ना कर पाए, इट मींस इट हैज नो शेप एंड साइज, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग। इन थर्ड रो all the coefficients of x, y, z is completely zero. It means that coefficient completely destroy x, y and z system. In third equation, right? अब आप इसके अंदर इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले देखिए, ये जो procedure हम system of equation को उठा लेते हैं, x, y minus 10z is equal to negative of 4. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? Minus y minus 3z इज इक्वल टू 1 आ गया। स्टूडेंट्स जब अब बात करने जा रहे हैं, हमने बात किया था डिस्कस सॉल्यूशन, हमने देखना है कि या इसका इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब देखिए यहां पर हम z हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। हम z को या y को, इन दो में से ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसको फ्री वेरिएबल ले लेते हैं। मैं यहां पर कह देता हूं कि लेट z इक्वल टू t, ठीक हो गया। z को t पुट करें यहां पर, तो जब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। इन इक्वेशन टू जब आपने इक्वेशन 2 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 3t इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3t हो गया, राइट। अब स्टूडेंट्स आपने y की ये वाली वैल्यू और z की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब देखिए y इन दोनों में कॉमन आ रहा है, या z, ये चॉइस अब आप पे है, इन विच यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। अब आपने क्या करना है इसके, अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को उठा के इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। चलिए पुट करते हैं हमारे पास। अब देखिए यहां पर z की वैल्यू यहां पे t पुट होगी, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो x क्या हो जाएगा, x प्लस यहां पर क्या आ गया, 1 प्लस 3t, y की जगह ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, माइनस 10 इंटू,
अब z की वैल्यू क्या है यहां पर, t इज इक्वल टू नेगेटिव 4, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 1, ये से सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास क्या आ गया नेगेटिव t इज इक्वल टू माइनस 4, राइट। इसको दूसरी तरफ ले जाए तो x क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 7t माइनस 5, राइट। तो अब आपके पास x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, गॉट इट। अब इसको स्टूडेंट्स एक साफ सेपरेट कॉर्नर के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको हम प्रॉपरली लिखते हैं, पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल सॉरी हियर इज x सॉरी x इज इक्वल टू 7t माइनस 5, राइट। अब यहां पर हम y की वैल्यू लिखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 प्लस 3t, गॉट इट। अब हम यहां पर z की वैल्यू लिखते हैं, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई t, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास x t पे डिपेंड कर रहा है, y t पे डिपेंड कर रहा है, z t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम यहां पर t को क्या कह सकते हैं, वेयर t इज फ्री वेरिएबल, अब यहां पे हम t को फ्री चॉइस करेंगे, क्यों, t की हम जो मर्जी वैल्यू पुट करें, हम t को ले लेते हैं वेयर t इज फ्री वेरिएबल, हम t को कह देते हैं t बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप t की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, t जीरो पुट करें, t वन पुट करें, t टू पुट करें, t थ्री पुट करें, तो आप आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। यानी हमें पता ये चला कि जब हमने वेरिएबल t पुट किया तो हम इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस की तरफ चले गए। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ने हमें यह बताया कि जब आपके पास इस तरह का केस प्रोड्यूस हो जाए, कोई भी चीज आपके पास इस तरह की आ जाए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन की अकरेंस है, जो हमारे पास नेचर ऑफ द सॉल्यूशन आना शुरू होगा, वो हमारे पास सारे का सारा यहां पर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये क्राइटेरिया था जो हमने ओबे करना था अब आपके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी होता है, राइट। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम हैज इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस, दिस इज द बेसिक एंड पर्टिकुलर प्रोसीजर टू फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। यहां पर यह पूरा क्राइटेरिया है। अब मैं इसका एक जनरलाइज प्रोसीजर लिखता हूं और फिर मैं इस अपने लेक्चर को वाइंड अप करूंगा, ठीक है। अब फिर हम जनरलाइज करके लिख देते हैं कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया आता है, इसके जनरल प्रोसीजर क्या है। तो चलिए अब हम जनरल प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके जनरल प्रोसीजर की तरफ। जनरल प्रोसीजर हमारे पास 80% सेम है, कोई भी माइनर चेंज भी नहीं आता उसके अंदर। अब हम क्या कहते हैं जनरल प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर, प्रोसीजर जनरल वही है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑगमेंटेड फॉर्म बना, ऑगमेंटेड फॉर्म, ऑगमेंटेड फॉर्म। नंबर टू, अब जो है अप्लाई द मेथड, अप्लाई मेथड, राइट। फिर आप नंबर थ्री की तरफ आ जाओगे कि नंबर थ्री क्या है, भाई आपने पहले ऑगमेंटेड फॉर्म बनाई, मैट्रिक्स अप्लाई किया, फिर आपने जो सिस्टम अगेन रिटन, अगेन रीराइट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपने एंड पे वही काम करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बना लेनी है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो लास्ट पार्ट है आपके पास
चूज एनी वन ऑफ द वेरिएबल एंड पुट देम इज इक्वल टू टी। यानी आप उसको एक फ्री वेरिएबल बना लें और ये आपके पास है फॉर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के लिए, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्राइटेरिया था कि आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना चाह रहे हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को टैकल करना चाह रहे हो, तो आपका वे क्या होगा, आप किस वे की मदद से। तो ये आपके पास एक जनरल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि ये आपका जनरल प्रोसीजर है। अब आप इसकी मदद से अब आपने सॉल्यूशंस को लिख सकते हो और बता सकते हो कि आपका सॉल्यूशन ये आ रहा है। और टी आपको बता देगा यहां पर, सॉरी हियर इज टी, हियर इज टी बेसिकली दैट विल शो यू दैट योर सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, राइट। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सी शॉर्टली, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।